फाइलेरिया की डीएसी दवा खिलाने से दो स्कूलों में सैकड़ों बच्चों की बिगड़ी तबीयत, मेडिकल टीम कर रही है इलाज। भदोही संवाददाता एके फारूकी द्वारा की गई रिपोर्ट। कोतवाली क्षेत्र ज्ञानपुर के पुलिस चौकी असमाव बाजार अंतर्गत मल्लूपुर में दो विद्यालयों प्राथमिक विद्यालय मल्लूपुर और चकहरी बनच प्राइमरी स्कूल में कुल सैकड़ों बच्चों की बिगड़ी तबीयत। बताया जाता है कि फाइलेरिया की डीएसी दवा खिलाने से खराब हो गई तबीयत, जिसके बाद मेडिकल टीम के साथ प्रशासनिक अमला और विद्यालयों की टीम भी जिला चिकित्सालय चेतसिंह में बच्चों का हालचाल जानने पहुंचे। सभी बीमार बच्चों का मेडिकल टीम इलाज कर रही है। वहीं बच्चों की तबीयत खराब होने की वजह से स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। मेडिकल टीम के द्वारा बीमार बच्चों का इलाज शुरू किया गया। अब खबर देखें विस्तार पूर्वक। बता दें कि गुरुवार को असमाव बाजार अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय मल्लूपुर और प्राइमरी पाठशाला चकहरी बनच पसियान कला विद्यालय में फाइलेरिया की डीएसी दवा खाने के बाद काफी संख्या में बच्चों की तबीयत खराब हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों स्कूलों के सैकड़ों बच्चों को आंगनबाड़ी की आशा लालती देवी द्वारा फाइलेरिया की दवा खिलाई गई थी, जिसमें छात्र शिखा पुत्री विनोद कुमार, अर्पिता पुत्री राजेश, ममता पुत्री अच्छेलाल, वंदना पुत्री जयप्रकाश, काजल पुत्री सोनू यादव आदि सैकड़ों बच्चों की तबीयत खराब हो गई। एक के बाद एक सभी बच्चों की तबीयत खराब होने के बाद स्कूल प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए। इधर घटना की जानकारी मिलने पर सैकड़ों ग्रामीण विद्यालय पहुंच गए थे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासनिक अफसरों को फोन पर दी। वही सूचना मिलते ही समूचे विद्यालयों की टीम और चिकित्सकों की टीम मानन फानन में जिला चिकित्सालय में आए बीमार बच्चों के पास पहुंचे, जिसके बाद बच्चों का उपचार कराया गया। फिलहाल बच्चों की हालत में सुधार बताया जा रहा है। कल से हमारा फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम चालू हो जा रहा है और कब मतलब 10 तारीख और 8 तारीख से कल स्कूलों में प्राइमरी स्कूलों में 6000 बच्चों को ये दवा खिलाई गई है और आज सभी स्कूलों में दवा बच्चों को खिलाई जा रही है। तो एक मल्लीपुर गाँव है, वहाँ पे स्कूल में 169 बच्चे हैं, कक्षा 1 से 5 तक हैं और आशा ने 133 बच्चों को दवा नियमानुसार मिड डे मील खाने के 10 मिनट बाद खिलाई दी। तो होता क्या है, इसमें आशा को ट्रेनिंग दी गई है, सभी को बाकी सबको पता है कि सामान्यतः जैसे जिस जैसे 10 लोगों में एक के ये फाइलेरिया जीवाणु से ब्लड में होता है और हाइड्राजान गोली दी जाएगी उसको, तो उसमें क्या होता है, चक्कर आना, उल्टी आना, नर्वसनेस आना आदि होता है। ये आशा को भी पता था, लेकिन मैं स्पॉट पर गया था, मैंने ये देखा वहाँ पर, तो एक बच्चा जैसे नर्वस हुआ, उल्टी हुई उसको, तो बाकी बच्चे जो क्लास में बैठे थे वो बच्चे उसको जो गिरा जो ऐसा सोने लगा गिर गया उसको देख के रोने लगे। तो हुआ क्या कि गाँव के सब माँ बाप सब लोग वहाँ पर आ गए थे, ऐसा कुछ नहीं है, तो बच्चे हमारे 16 बच्चे यहाँ आ गए, आना नहीं चाहिए थे, लेकिन माँ बाप को खुश करने के लिए उनको दिक्कत नहीं मानसिक रूप से हो, बच्चे हमारे 16 स्वस्थ हैं, हमारे CMS साहब और SDM साहब, CEO साहब सब लोग हैं यहाँ। कल भी दवा खिलाई गई थी और विद्यालय में 6000 बच्चों को दवा खिलाई गई कल, नहीं तो क्या अगर नहीं कोई नहीं है, थोड़ा बहुत तो जैसे माँ बाप समझदार हो समझ जाते हैं, आशा बताती है ना, तो यहाँ बच्चे थे पूरे स्कूल में, तो ये तो लगभग जो है इस तरीके की सिचुएशन आती रहेगी। और मेरा भदोही वासियों से अपील है कि फाइलेरिया की दवा 2 साल से ऊपर जितने लोग हैं, गर्भवती महिलाएं जो वो दवा नहीं खाएंगी, किसी लंबी बीमारी जिसका इलाज चल रहा वो लोग नहीं खाएंगे, लगभग 1800 लोगों को 10 दिन में दवा खिलानी है। तो सीएमओ साहब मतलब आज की जो घटना है एक सामान्य प्रक्रिया इसको माना जाए? नहीं नहीं, ये जो जिन बच्चों को चक्कर आया और नर्वसनेस जो हो गई थी, ये एक सामान्य प्रक्रिया, जो मैंने पहले कहा था कि जिस बच्चे में ये फाइलेरिया का जीवाणु शरीर में है, तो वो उस जिस बच्चे ने खाई है उसको चक्कर आया, उल्टी जैसे आई है, उसको तो होना चाहिए। होता क्या, खाली पेट नहीं खिलानी है, क्योंकि खाली पेट जैसे ही कोई खाएगा तो पेट में जलन होने लगती है। डॉक्टर साहब, ऐसे कितने बच्चे थे जिनको उल्टी आई, चक्कर आया, ऐसे कितने बच्चे हैं? केवल 9 बच्चे थे। 9 बच्चों को उल्टी वगैरह हुई? 133 में 9 बच्चों को उल्टी आई थी, चक्कर आया था। तो उनका उपचार किस तरीके से किया जा रहा है? बच्चे यहाँ पे आ गए, ड्रिप लगा दी गई, केवल